रीवा जिले के मऊगंज थानांतर्गत दमोदरगढ़ से बड़ी खबर आई है, जहां पर क्रेशर संचालक का जानलेवा कृत्य सामने आया है। क्रेशर संचालक के द्वारा की जा रही हैवी ब्लास्टिंग के शिकार होने वाले कृष्णकांत द्विवेदी उम्र 53 वर्ष निवासी दमोदरगढ़ है, जो कि खुद जख्मी हुए, उनके साथ ही उनकी भैंस जख्मी हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण उपरांत मामला को जांच में लिया है। घटना के शिकार कृष्णकांत ने बताया कि क्रेशर संचालक राजकुमार खुराना व प्रदीप शर्मा के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग का खतरनाक खेल चल रहा है, जो कि क्रेशर के लिए पत्थर तोड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की जान जोखिम में है और किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि खनिज विभाग के साथ ही राजस्व और पुलिस विभाग के खुले संरक्षण में मऊगंज विधानसभा में स्टोन क्रेशर संचालकों की मनमानी से ग्रामीण जन खासे हलाकान हैं, जहां पर 2 दर्जनों क्रेशर संचालित हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों में संचालित है। क्रेशरों से उड़ने वाली धूल से न केवल ग्रामवासी परेशान है, बल्कि यहां से निकलने वाले राहगीर भी बेहद परेशान है। केसरों की शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रदूषण विभाग एवं खनिज विभाग, राजस्व विभाग से की गई, पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही इनके द्वारा कोई सुधार किया गया। ग्रामीणों द्वारा विभाग से शिकायत करते हुए प्रदूषण रोधी कवर लगाए जाने की मांग की गई, लेकिन आज तक ना प्रदूषण विभाग ने ना खनिज विभाग ने इस ओर कोई ध्यान दिया। अनियमितताओं का आलम यह है कि आए दिन होने वाली ब्लास्टिंग से बस्ती के ग्रामीण सहम जाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर भी धूल के कारण दमा, श्वास और पथरी रोग के शिकार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद अधिकारी गणों की कार्रवाई केवल सेटिंग बनाने तक ही सीमित है, जिसके चलते केशरों संचालकों की मनमानी बदस्तूर जारी है। सीने पर लगा है, थोड़ा सा कटा है। आपका नाम? कृष्णकांत द्विवेदी। कहाँ के निवासी हैं आप? दामोदरगढ़ के। क्या हादसा हुआ आपके साथ? सर, वहाँ 12 बजे दिन में ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग कौन किया? राजकुमार खुराना, ब्लास्टर है प्रदीप शर्मा। ब्लास्टर प्रदीप शर्मा है, तो ये मतलब क्या काम करते हैं? ये माइंस वहाँ चलाते हैं सर। क्रेशर है। क्रेशर है, पत्थर निकालते हैं वहाँ से ब्लास्टिंग। अच्छा, क्रेशर के लिए पत्थर निकाल रहे थे। दही सिंह, पिता प्रद्युम्न सिंह के मतलब वहाँ घर के पास में खदान है, जमीन दही सिंह की है। ये खदान कहाँ पे है? ये सरदमन में है सर। सरदमन में है, तो क्या हुआ फिर? इन्होंने ब्लास्टिंग किया सर, इतनी भीहड़ ब्लास्टिंग अवैध तरीके से, 30 फीट लगभग लोग बताते हैं कि बारूद उसमें मतलब ब्लास्टिंग के बोर में डाला था। अच्छा, भयानक ब्लास्टिंग किया और उस ब्लास्टिंग से पत्थर उड़ा 250 मीटर। वहाँ पत्थर आया एक तरफ से, पत्थर माने 3-4 किलो, 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, वो कम से कम 2 टन पत्थर। वो बस्ती है जहाँ पे पत्थर गया? कितने लोगों की बस्ती होगी? बस्ती सर वहाँ चारों तरफ, माइंस के चारों तरफ एकदम सटा हुआ घर, वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है। वहाँ ब्लास्टिंग हुई, अब ये जबरदस्ती इनको कहने पर भी हाथ, तो लोगों के घर का भी नुकसान हुआ, घरों का भी नुकसान होता रहता है सर हमारा। अच्छा, मतलब ये अक्सर होता है? हाँ, अक्सर होता है, हमेशा ये मानते नहीं है। सीने पर हमारी चोट आई, घर के पास हम पाइप ऐसे उठा रहे थे, उस समय ब्लास्टिंग। कितने बजे की घटना है? 12 बजे। तो रिपोर्ट की आप थाने में? थाने में रिपोर्ट की। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तो चोट आया, भैंस की जीभ निकल गई, गिर गई भैंस। अच्छा, भैंस को भी आई? बर्तन टूट गए, कुर्सी टूट गई, घरों के अंदर पत्थर गया, दीवार क्रेक हो गई, एक नया मकान बना रहे थे उसकी कुर्सी उर्सी टूटी एकदम। तो मतलब आपके अलावा भी लोगों को नुकसान हुआ? नुकसान हुई। अच्छा, और हमसे संबंधित और काश्तकारों की जमीनों में फसल नुकसान हुई। अच्छा, क्या है प्रशासन मतलब ये सुन? शिकायत कर चुके हैं? शिकायत कई बार हुई, होती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ लाइन हुई, सब कुछ हुआ, पर कहीं कोई वो नहीं। ये ब्लास्टिंग इसी ढंग से चल रही है और आप लोग भयभीत है ना? मतलब जान माल को खतरा बराबर बना हुआ है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। कहाँ से हैं? दामोदरगढ़ से। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सरदमन में खदान है, पत्थर की खदान है, जो राजकुमार खुराना के नाम से संचालित है, उसमें प्रदीप शर्मा मैंने किया जी, इसी वजह से वहाँ से ब्लास्ट करके पत्थर की खुदाई करते हैं, माइंस ले जाते हैं प्रेशर में जी।
इससे खदान में ज़्यादा भारी ब्लास्टिंग करने की वजह से जमीन में पत्थर और घर में, जो कि मेरे यहाँ भैंस बनी थी घर के पास में, जो कि दूरी लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, भैंस को चोट आई और भाई के पैर में लगा, छत में नुकसान हुई, छत में दरारें आई, ढेर सारी है, धूल डस्ट है, जो कि उनसे बताया भी गया कई बार, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये मतलब इतनी तेज ब्लास्टिंग थी कि दीवारों में भी, दीवारों में क्रेक आया, छत में क्रेक आया, जैसे पूरी लाइनिंग की तरह आया, पत्थर घर में, आंगन में चारों तरफ से घर है, बीच आंगन में पत्थर आके गिरा जी। यही सारी समस्याएं हैं, जो कि उनसे कहा भी गया कि ऐसा करिए, धीमी गति से करिए, क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनसे जो है तो ये कहा जाए कि कम ब्लास्टिंग की जाए, कम उसमें होल पैक किया जाए, और या फिर अगर अनलीगल है तो रोका जाए, अगर घर से इतना नज़दीक है तो फिर रोका जाए, धन्यवाद, खदान को बंद किया जाए।